हेलो सो इन दिस वीडियो वी विल सी मिन मैक्स थ्योरम ठीक है सो इट इज़ मिन मैक्स थ्योरम सो होती क्या है मिन मैक्स थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो यूजीसी नेट की कर रहे हो तो वहाँ पे भी इसका क्वेश्चन होता है सो so, ये है क्या इट इज़ अ स्पेशलाइज सर्च एल्गोदम इट इज़ अ स्पेशलाइज सर्च एलगोदम दैट रिटर्न ऑप्टिमल सिक्वेंस ऑफ मूव्स फॉर अ प्लेयर इन जीरो सम गेम ये तो इसके एक बहुत ही ब्रॉड हमने डेफिनेशन बताई है सो so बेसिकली जो मिनमैक्स थ्योरम है इट इज यूज इन गेम प्लेइंग ठीक है सो जो गेम प्लेइंग होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वहां पे इसका बहुत ज्यादा यूज होता है सो so बेसिकली इसमें होता है क्या देर आर टू प्लेयर्स एक होता है मिन और एक होता है मैक्स सो so, हम देखेंगे अभी यहाँ पे सो so, है क्या ये इट इज अ रिकर्सिव और अ बैक ट्रैकिंग एलगोरिदम विच इज यूज इन डिसीजन मेकिंग एंड गेम थ्योरी सो डिसीजन मेकिंग में भी यूज होता है बट जो इसका मेन यूज है दैट इज़ इन गेम थ्योरी करता क्या है यूज़ रिकर्जन टू सर्च थ्रू द गेम ट्री अभी एग्जाम्पल में देखेंगे हम गेम ट्री बना के और रिकर्जन की मदद से उस पूरे गेम ट्री को ये सर्च करता है देन द एल्गो कम्प्यूट द मिन मैक्स डिसीजन फॉर करंट स्टेट सो हर स्टेट की मिन मैक्स डिसीजन को कम्प्यूट किया जाता है एल्गो के थ्रू सो so ये तो हो गई सिंपल थियोरिटिकल पॉइंट्स अब इसमें दो प्लेयर्स होते कौन से हैं सो देर आर टू डिफरेंट प्लेयर्स एक को हम बोलते हैं मैक्स प्लेयर और एक को हम बोलते हैं मेन प्लेयर सो मैक्स प्लेयर क्या करता है इट ऑलवेज सिलेक्ट्स दी मैक्सीम वैल्यू मतलब अगर दो वैल्यू हैं और उनमें से कोई एक वैल्यू चूज करनी है जिसको आप ऑप्टिमम वैल्यू बोल रहे हो तो मैक्स प्लेयर हमेशा उन दो में से मैक्सिम को चूज करेगा जबकि जो मिन प्लेयर है इट ऑलवेज सिलेक्ट द मिनिमम वैल्यू तो ये हमेशा मिनिमम वैल्यू को सिलेक्ट करेगा ठीक है देन होता क्या है इसमें बेसिकली सिंपल डीएफएस या फिर डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गो को यूज करते हैं टू एक्सप्लोर द कंप्लीट गेम ट्री सो so एग्जाम्पल की मदद मतलब से आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा ये कि कैसे इसमें काम करते हैं सो so इसका जो मेन यूज़ है डैट इज़ इन गेम्स लाइक चेस जहाँ पे भी बेसिकली आपके दो प्लेयर्स खेल रहे हैं वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं सो गेम प्लेइंग है या फिर गेम ट्री आप कह सकते हो गेम थ्योरी जिसमें टू प्लेयर गेम्स ऐसा नहीं है कि मल्टीप्लेयर के लिए होगा टू प्लेयर गेम्स के लिए इसको हम यूज़ करते हैं सो so जैसे हो गया चेस चेकर्स टिक टेक्टो ठीक है so, सो अब इसमें एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि जो मैक्सिमम और मिनिमम की इनिशियल वैल्यू हम क्या लेते हैं सो इनिशियल वैल्यू मैक्स वाले के लिए हम हमेशा लेते हैं माइनस इन्फिनिटी चेक करते हैं जब और मिनिमम वाले के लिए लेते हैं हम इन्फिनिटी सो दीज आर दी वर्स्ट वैल्यूज दैट यू कैन सेलेक्ट फॉर दीज टू प्लेयर्स और इनिशियली इनकी वैल्यूज हम इसी से इनिशियलाइज करते हैं ठीक है सो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और लिमिटेशन्स हैं सो so, प्रॉपर्टीज़ क्या है सबसे पहली प्रॉपर्टी दैट इट डेफिनेटली अ सॉल्यूशन अगर सॉल्यूशन है इफ सॉल्यूशन इज एग्जिस्टिंग देन इट विल डेफिनेटली फाउंड्स सॉल्यूशन सो इसलिए इसको हम बोलते हैं कंप्लीट देन सेकेंड इट इज एन ऑप्टिमल सर्च चल सो आपको हमेशा सोल्यूशन जो मिलेगा वो ऑप्टिमल सोल्यूशन मिलेगा इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है दैट इज बिगो ऑफ बी की पावर एम जहाँ पे कि बी है आपका ब्रांचिंग फैक्टर ऑफ गेम ट्री सो ब्रांचिंग फैक्टर ऑफ गेम ट्री और जो एम है वो है मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द ट्री इट इज मैक्सिमम डेप्थ ठीक है सो दैट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑल्सो बी गो ऑफ बी की पावर एम सो ये तो होगी इसकी प्रॉपर्टीज अब इसकी लिमिटेशंस के हैं इसकी जो सबसे बड़ी लिमिटेशन है दैट इट इज स्लो फॉर कॉम्प्लेक्स गेम्स सचैस चेस सो स्लो फॉर कॉम्प्लेक्स गेम्स सचैस चेस क्योंकि जो चेस का गेम ट्री बनता है वो बहुत बड़ा बनता है ठीक है so, सो जैसे कि हम कहते हैं कि ऑन एन एवरेज अगर हम कहते हैं कि थर्टी फाइव हैं या मूव्स हैं ठीक है और जो डेप्थ बनती है वो ऑन एन एवरेज बनती है हंड्रेड फॉर बोथ प्लेयर्स तो आप इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ भी देखो तो कितनी आएगी थर्टी फाइव की पावर हंड्रेड विच इज़ वेरी बिग ठीक है सो बहुत बड़ी है इसलिए जो चेस जैसे गेम्स है उसमें मिनमैक्स आपका बहुत स्लो हो जाता है सो so, ऐसे के लिए हम क्या करते हैं बीटा प्रोनिंग करते हैं जो हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे सो so, ये तो होगी बेसिक थ्योरी मिनमैक्स की अब इसके ऊपर हम दो न्यूमेरिकल्स या दो एग्जाम्पल्स को देखते हैं कि कैसे इससे हम सॉल्व करते हैं सो लेटेस्ट टेक द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ मिनमैक्स सो एक तरह से हम ये गेम ट्रिक क्रिएट कर रहे हैं अभी ठीक है सो मैं आपको बताता हूँ इसको एक बार क्रिएट करने के बाद कि कैसे इसको हमें सॉल्व करना है सपोज़ ये हमारा गेम ट्री था अब इसमें हर ट्री के एंड पे हमें कुछ कॉस्ट दी हुई है कि यहाँ तक आने की कॉस्ट क्या लगेगी सपोज़ सपोज ये दिया हुआ है माइनस टू दिस इज़ टू वन और ये हमें दिया हुआ है वन थ्री फोर माइनस वन वन ज़ीरो टू फाइव एंड सिक्स और हमें मिन मैक्स को यूज़ करके इसमें बेस्ट पॉसिबल पाथ या बेस्ट पॉसिबल या ऑप्टिमल हमें पाथ बताना है सो so, हम इसमें क्या लेते हैं हम इसमें हर लेवल पे ये देखते हैं कि कौन सा प्लेयर चल रहा है सो so, देखो होता क्या है टू प्लेयर में पहले एक प्लेयर चलता है फिर दूसरा प्लेयर चलता है सो लेट अस से अगर हमने इसको माना हुआ है कि पहला प्लेयर ये जो पहली चाल है वो मैक्स की है तो सेकेंड किसकी होगी इस लेवल पर कौन चूज़ करेगा मिन चूज़ करेगा देन यहाँ पे कौन चूज़ करेगा मैक्स चूज़ करेगा ठीक है सो इसी तरह से होता है आप टिक टिकट खेलते तो पहले एक प्लेयर चलता है फिर दूसरे प्लेयर के पास चॉइसेस होती हैं सो सपोज यहां पे पहले मैक्स ने चूज किया फिर मिन चूज करेगा फिर मैक्स चूज करेगा सो so, इस तरह से हम कर रहे हैं अब मैंने आपको पीछे थ्योरी में बताया था कि इनिशियल वैल्यूज हम क्या लेते हैं सो so, इनिशियल वैल्यू हम लेते हैं मैक्स की लेते हैं माइनस इंफिनिटी और मिन की लेते हैं इंफिनिटी ठीक है अब देखो क्या है इसमें ध्यान से देखना हम वी हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम दीज जो नीचे हमें वेट्स यहाँ पे गिवन है अब क्योंकि हम बैक ट्रैकिंग करते हैं रिकर्जन यानी फिर डेप्थ फर्स्ट सर्च है तो यानी हम नीचे से शुरू कर रहे हैं यहां पे। मतलब कि अब मैक्स को यहां से चूज करना है ठीक है so, सो मैक्स हैज टू चूज अब यहां पे मैक्स को चूज करना है तो किसको चूज करेगा इनमें से मैक्सिमम को सो so, सीधा हमें पता लग रहा है कि टू को चूज करेगा क्योंकि माइनस टू टू और वन में से कौन सा मैक्सिमम है टू है बट फिर भी आपको एक बार करके दिखा रहा हूँ पहली नोड है माइनस टू चेक करेगा माइनस टू को किससे माइनस इन्फिनिटी से इनिशियल वैल्यू कौन सा आया बड़ा इसमें से निकल के माइनस टू देन इसको चेक करेगा इस वाले टू के साथ कौन सा आया बड़ा निकल के टू फिर इसको चेक करेगा इसके साथ कौन सा बड़ा आया निकल के टू सो so, इस वाली नोड का जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी इसी तरह अगर आप वन थ्री फोर को देखोगे दोबारा से माइनस इनफिनिटी से चेक होगा तो क्या आएगा वैल्यू निकल के फोर माइनस वन वन और जीरो में क्या वैल्यू आएगी निकल के सिक्स ठीक है सो जब मैक्स ने देखा तो उसने ये वाली वैल्यूज चूज करी नाउ द टर्न इज मिन मिन क्या करेगा हर लेवल पे अपने मिनिमम वैल्यू को सिलेक्ट करेगा ठीक है सो so, अगर आप इन्फिनिटी से चेक करोगे यहां पे मिन को सिलेक्ट करना है टू और फोर में देखो इन्फिनिटी से चेक किया कौन सा मिनिमम है टू देन टू और फोर को चेक किया कौन सा मिनिमम है टू सो वैल्यू यहाँ पे हो गई टू ऐसी वन और सिक्स में कौन सा मिनिमम है वन ठीक है देन मैक्स की टर्न है मैक्स टू और वन में से कौन सा सिलेक्ट करेगा जो मैक्सिम है कौन सा मैक्सिम है टू तो इस तरह से मिन uh, मैक्स के थ्रू हम काम करते हैं तो अब देखो इसमें पाथ कैसे बना यहां से हम देख रहे हैं टू सिलेक्ट हुआ था इन दोनों में से तो ये आया देन अब आपको ये वाला पाथ आपने छोड़ दिया नहीं देखना अब देखो टू और फोर में से कौन सा सिलेक्ट हुआ था टू वाला तो यहां पर माइनस टू टू और वन में से कौन सा सिलेक्ट होता है टू सो so ये वाला जो पाथ है वो मैक्स प्लेयर को मैक्सिमम बेनिफिट देगा सो so इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं नाउ लेट अस सी वन मोर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको सो लेट मी ड्रॉ दिस सो एक नोड है ए, बी देन सी डी ई एफ एंड जी और इसके नीचे दो वेट्स हैं सपोज इसके भी नीचे दो वेट्स हैं।, हैं इसके भी नीचे हैं एंड सो ऑन और जो वेट्स हैं वो हैं माइनस वन वेट्स कह लो कॉस्ट कह लो आप कुछ भी कह सकते हो एट माइनस थ्री माइनस वन टू वन माइनस थ्री एंड फोर और जो प्लेयर्स हैं वो कुछ इस तरह से मैक्स मिन एंड मैक्स ठीक है अब सिंपल सा है इसमें देखो मैक्स को चूज करना है सो डी नोट पे हम देखेंगे माइनस वन और एट में से किसको चूज करेगा एट को माइनस थ्री माइनस वन में से किसको चूज करेगा माइनस वन को बड़ा चूज करना है आपको टू और वन में किसको चूज करेगा टू को माइनस थ्री और फोर में किसको चूज करेगा फोर को तो मैक्स प्लेयर ने अपने चूज कर लिए अब बारी आई मिन प्लेयर की मिन प्लेयर किसको चूज करेगा मिनिमम को तो बी नोट के आज दो ऑप्शन है डी और ई e. कौन सा मिनियम है माइनस वन तो माइनस वन को चूज कर लिया टू और फोर में कौन सा मिनिमम है टू तो टू को सिलेक्ट कर लिया अब टेन आई मैक्स की तो मैक्स किसको चूज करेगा माइनस और टू में से जो मैक्सिमम है मैक्सिमम कौन सा है टू सो टू को सिलेक्ट कर लिया सो so, इस तरह से आ, पूरा गेम ट्री आपने सर्च कर लिया तो so, इस पाथ क्या बनेगा पाथ बनेगा ये वाला ए से सी सी से एफ और फिर जो आपका टू वाला है यहाँ पे सो so, दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर जिसमें हमने मिन मैक्स थियोरम को देखा थ्योरी भी देखी लिमिटेशन देखे प्रॉपर्टीज देखी और दो क्वेश्चन देखे तक कि आपको इजिली ये समझ में आ जाए सो दिस इज ऑल थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब अमर यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच टूटोरियल्स थैंक यू